प्रणाम। माधव विद्या संकुल में जुनियर के जी में आपना बाड़कनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज आपणे विषय अंग्रेजी में नोटबुक में जुदा जुदा प्रश्नों सीखीशू। जो प्रथम प्रश्न छे, सरखा मूळाक्षर जोड़ो। ऊपर लाइन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफंट। एज प्रमाणे नीचे मूळाक्षरो पण आपेला छे, परंतु आडवड़ा आपेला छे, एटले आपणे ऊपर जोवानुं ए फॉर एप्पल। तो अहींया पण ए फॉर एप्पल साथे जोड़ीशुं। आ रीते जुओ, ए होय तो एनी साथे ए मूळाक्षर, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, हवे ई फॉर एलिफंट। ई साथे ई मूळाक्षर ने जोड़ीशुं। आ रीते प्रश्ननुं नाम थयुं सरखा मूळाक्षर जोड़ो। अहींया कोई पण मूळाक्षर आपेलो होय, आपणे एने नीचे मूळाक्षर जोईने जोड़वानुं छे। सरखा मूळाक्षर जोड़ो। हवे जो एज प्रमाणे बीजो प्रश्न छे, नीचे हरोळमां जुदा नंबर पर चौकड़ी करो। हरोळ एटले के लाइन। आम लाइन बाळकने जोता शीखवानी छे। जो प्रथम लाइन में वन वन टू वन अने वन, तो वन अहीं छे, अहीं पण वन छे, परंतु टू नंबर जुदो छे, तो तेनी पर आपणे चौकड़ी करवानी। पछी टू 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 अने वन, पछी पण टू छे, तो वन जुदू छे, तो ते नंबर पर आपणे शुं करवानी, चौकड़ी करी देवानी। ए ज प्रमाणे त्रीजी लाइन जोवानी छे। जुओ, फोर फोर थ्री फोर, लाइन फोर नी छे, परंतु थ्री नंबर जुदो छे हरोळ में, तो तेनी पर आपणे चौकड़ी करवानी। हरोळ में जुदा नंबर पर चौकड़ी करो। हवे जुओ, लाइन में जोवानुं छे थ्री फाइव थ्री थ्री, आखी लाइन थ्री नी छे। जुओ बराबर, आखी लाइन सेनी छे, थ्री नी, परंतु फाइव नंबर जुदो छे, तो तेनी पर आपणे चौकड़ी करवानी। हवे एज प्रमाणे छेल्ली लाइन सिक्स, लाइन सिक्स नी छे, परंतु हरोळमां फोर फोर नंबर जुदो छे, तो तेनी पर आपणे चौकड़ी करवानी। हरोळमां जुदा नंबर पर चौकड़ी करो। सिक्सनी लाइन छे, परंतु एक नंबर जुदो छे फोर, तो तेनी पर आपणे शुं करी देवानी, चौकड़ी। हवे जो आगळ प्रश्न छे, महावरो करो। एटले के वन आपी होय, टू थ्री फोर फाइव, बधा बाळकोने हवे लखता तो आवड़ी ज गयुं छे। परीक्षामां वन आपी होय अने चार लीटी आपी होय, तो अहींया वन लखवानुं छे। वन पछी कोईए टू नथी लखवानुं, वन, तो अहींया चारे चार लीटीमां वन लखवानुं छे, महावरो करवानो छे, एना जेवो वन लखी देवानो। वन वन, आ रीते बधाए महावरो करो, तो वन ज लखवानो छे। पछी जो बीजी लाइन में टू, तो अहींया पण आपणे टू लखीशुं, टू 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 टू। हवे जुओ, टू पछी थ्री 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 थ्री, एटले त्रण लाइन में थ्री ज लखवाना छे। प्रश्ननुं नाम थयुं महावरो करो। पछी फोर, तो फोर लखीशुं आपणे आ रीते। बाळकने घरे नोटबुकमां प्रेक्टिस करावानी छे। फोर एटले चार, हवे फाइव, तो लखवानुं छे अहींया लाइनमां फाइव।
आ रीते लाइन में महावरो करवानो छे फाइव। महावरो करो वन थी फाइव नो। आ रीते दरेके नोटबुक में वन टू फाइव नो महावरो करवानो छे। आओ पण प्रश्न पूछाय तो कोईए गभरावानुं नहीं। हवे आगळ छे, जो चौरस में आपेल मूळाक्षर शोधी तेना फरते गोल करो। चौरस आ बॉक्स आप्युं छे एमां एफ डी ई बी अने सी मूळाक्षर आपे छे। आ मूळाक्षर जोवानो अने अहीं गोल करवानुं। गमे ते जग्याए गोल नथी करी देवानुं। चौरस में आपेल मूळाक्षर आपणे जोवानो छे। कयो मूळाक्षर छे आ? एफ। तो अहीं जोवानुं के एफ क्यां छे। एफ होय तेनी फरते आपणे गोल करवानुं छे। हवे जुओ डी फॉर डॉग। तो सामे जोवानुं लाइन में के डी फॉर डॉग क्यां छे। डी होय तेनी फरते आपणे गोल करवानुं। ई एफ ई डी। तो अहीं डी आप्यो छे ने, तो डी शोधीने तेनी फरते गोल करवानुं। अने एफ पछी जुओ ई फॉर एलिफंट। तो अहीं पण आपणे ई शोधवानुं छे। आखी लाइन आम बाळकने पेन्सिल वडे जोता शीखवानुं, जेथी करीने बीजी लाइन में जोवा जाय नहीं। ई छे तो आज लाइन में जोवानुं छे। ई फॉर एलिफंट तो आज लाइन में जोवानुं। ई फरते वर्तुळ गोल करी देवानुं। हवे बी। बी अहीं पण छे अने अहीं पण हशे, तो भूलथी अहीं ना करी देवो जोईए बाळक। आज लाइन में जोवानुं छे बी। आ बॉक्स जोवानुं अने एज सीधी लाइन में बीनी फरते गोल करवानुं। तो बी फॉर बॉल। तो अहीं धीमे धीमे पेन्सिल फेरवतुं जवानुं अने जोवानुं छे कि क्यां बी छे। तो बीनी फरते आपणे गोल करी देवानुं छे। हवे एज प्रमाणे सी। सी फॉर केट। तो आ लाइन में आम जोवानुं कि सी मूळाक्षर क्या छे। सी फॉर केट तेनी फरते आपणे गोल करवानुं छे। बॉक्स में आपेल मूळाक्षर जोवानो अने पछी सामेनी लाइन जोवानी अने पछी गोल करवानुं। तो अहीं बॉक्स में शू छे? सी। तो सी फॉर केट होय तेनी फरते आपणे गोल करवानुं, वर्तुळ करवानुं। प्रश्ननुं नाम थयुं ચોરસમાં આપેલ મૂળાક્ષર શોધો અને તેની ફરતે વર્તુળ ગોળ કરવાનું છે। તો બોક્સમાં જે મૂળાક્ષર આપ્યા છે જોવાના, પછી જ અહીંયા ગોળ કરવાનું, કોઈએ જોયા વગર ગોળ કરી દેવાનું નહીં। આ રીતે ઘરે તમારા પાલ્યને પ્રશ્ન લખીને આપજો નોટબુકમાં અને બાળક તેનો પ્રયત્ન કરશે। પ્રણામ।